की राजधानी लखनऊ के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसे तहजीब का शहर या नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। हालांकि वर्ष 1850 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके बाद लखनऊ के नवाबों का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दरअसल लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि नवाबों के शहर का नाम लखनऊ कैसे पड़ा? इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को यह क्षेत्र सौंप दिया था। लक्ष्मण ने गोमती नगर के तट पर एक नगर बसाया, जिसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया। यही नाम बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। नगर के पुराने भाग में एक ऊंचा टीला है, जिसे आज भी लक्ष्मण टीला कहा जाता है। लखनऊ के नामकरण को लेकर एक और कहानी खूब प्रचलित है। कहते हैं कि शहर का नाम महाराजा लाखन भर, जो कि लखन किले के मुख्य कलाकार थे, उनके नाम पर रखा गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो कहने सुनने वाले लोग ही जाने। लखनऊ अपनी विरासत में मिली संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के संग बड़ी सुंदरता के साथ आज भी संजोए हुए है। यहाँ के समाज में नवाबों के समय से ही पहले आप वाली शैली समाई हुई है। हालांकि वक्त के साथ साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन यहाँ की एक तिहाई जनसंख्या इस तहजीब को आज भी संभाले हुए है। इसके अलावा लखनवी पान तो यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसके बिना तो लखनऊ अधूरा सा लगता है। लखनऊ में एक घंटाघर है, जिसे भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ 19वीं शताब्दी में बनी एक पिक्चर गैलरी भी है। यहाँ लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें मौजूद हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।